जीवन अलभ्य अवसर है, और विशेषकर मनुष्य जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा है। इस जीवन की महिमा, इस जीवन में जो मनुष्य को प्राप्त है, उस दिव्यता का प्रकाशन अनेक बार शास्त्र करते रहे। इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, विद्यमान है, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन सब में श्रेष्ठ, महनीय, उदात्त, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम कृति मनुष्य ही है। अन्य भी आदरणीय हैं, अन्य भी सहयोगी हैं। प्रकृति और उसकी विधि व्यवस्था में अथवा प्राकृतिक संतुलन में संपूर्ण जैव सत्ता सहयोगी है। उसकी अपनी महिमा है, उसकी अपनी मूल्यवत्ता है, उसके बिना भी सृष्टि अधूरी है। जीवन में, विशेषकर मनुष्य के जीवन में बड़ी अपूर्णता है बिना प्रकृति पर्यावरण के, बिना वृक्ष पादप औषधि सलिलाओं के। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है अगर धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिकाएं नक्षत्र न हो। छोटे कीट कृमि मीन मतंग भ्रंग अनेक पशु और विविध वनस्पति और उसकी प्रजातियां, खनिज धातुएं, तो जो प्रकृति में जड़ता है, प्रकृति का एक वर्ग जिससे जड़ वर्ग कहेंगे, उसकी भी बड़ी महिमा है। पर जो चैतन्य है वो मनुष्य है। प्रकृति में एक जड़ वर्ग है, जड़ता है प्रकृति में, प्रस्तर पाहन धरा के रूप में, विशालकाय जो पर्वत शिखर हैं वो जड़ ही तो हैं। किंचित जीवन जिनमें है, जैसे जड़ता से किंचित मुक्त हैं वृक्ष, वो उतने जड़ नहीं। उनमें रस है, जीवन की अभिव्यक्ति है, वहां भी सौंदर्य है, हास्य है, रोदन प्रमोदन है, उल्लास है, वहां भी संवाद है परस्पर प्रकृति में वृक्षों के, पर उतने जड़ नहीं है वृक्ष। पर हां, मनुष्य तो अत्यंत चैतन्य है। उनके फल फूल गंध सुगंध मकरंद पात पल्लव, उनकी विविध औषधियां परजन्यों के वे कारक हैं। बादल उन्हीं से तो आते हैं। इस धरती पर जल का निमित्त वृक्ष ही तो हैं। पर मनुष्य कुछ और है, वो पेड़ नहीं है, वो उससे भी कहीं अधिक महान है, और वृक्षों से भी अधिक कहीं जीवंत जागृत, और जहां जीवन मुखर और प्रखर है वे पशु हैं, पंछी हैं, परिंदे हैं, वे और भी अधिक चैतन्य हैं, अधिक अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी संवेदनाओं को, विशेषकर पशु परिंदे पंछी। किसी काल में तो सुख सारिकाएं वेद मंत्र बोलते रहे, कपोत कागा। आज भी कागा हमारे पितरों के मन को पढ़ना जानता है। आज भी कागा का आगमन अतिथि की आहट को पहचानता है। जैसे हम निपट कौवा कह दें, कोयल कह दें, ऐसे पंछियों में अधिक सूक्ष्मता है। वे अत्यंत सजग हैं, वृक्षों से भी अधिक कहीं सजग हैं।
पशुओं से भी कहीं अधिक बुद्धिमान पंछी हैं। जिस तरह से चिड़िया चहचहाती हैं, जिस तरह से वे ट्वीट्स करते हैं, ट्वीट, ये ट्वीट करना हमने चिड़ियों से तो सीखा है। जिस ढंग से मकड़ियां जाल बुनती हैं, ये जो वेब नेटवर्किंग है उन्हीं से तो सीखा है। कपोत के गीत, उनके उपदेश भरे पड़े हैं शास्त्र। कागा और कपोत के, सुख और सारिकाओं के, गरुड़ के, अश्व के, वेद ध्वनित होता है घोड़े की हिनहिनाहट से, पंछियों की चहचहाट से।